जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे, बिजनेस कम्युनिकेशन। आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है बहुत इजी सब्जेक्ट है। ये SYBCOM का है, बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर मुझे MGM 224 का पेपर देना है, 225 कुछ स्टूडेंट का, 224 का है कुछ। तो घबराइए नहीं, ये इलेक्टिव्स हैं, मतलब चूज़ करने वाले सब्जेक्ट हैं। कोई 224 लेता है, कोई 225 ईजी जाता है। जैसे इंग्लिश वाले पेपर में हम लोग लिखते हैं ना, FY में जो पेपर था इंग्लिश का, लेटर बिजनेस कम्युनिकेशन, एक लेटर लिखने वाला चैप्टर था इंग्लिश, इंग्लिश में ही है। हाँ, पत्र व्यवहार कैसे करते, सेम उसी का कॉपी है ये। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, अगर आप केवल वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ जाएगा किस तरीके। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, वीडियो में किसी तरह गारंटी नहीं लेता हूँ कि मेरे ही प्रश्न आएंगे। यस, आप पास हो सकते हैं अगर अच्छे से देखेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो। मैं किसी तरह गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं केवल आपको गाइड करता हूँ कैसे पेपर रहता है। पेपर 80 मार्क का आता है, 4 क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं, 4 में 5-5 रहता है, उन 5-5 में 4-4 करना है, 16 करना है, ठीक है। तो 20-20 मार्क के क्वेश्चन से करने हैं, और एक क्वेश्चन पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है तो उनको यही हिदायत है कि भाई 16 क्वेश्चन करने हैं, कितने घंटे में, 3 घंटे में, 180 मिनट में। तो आप समझ लीजिए, अपना एवरेज लगा दीजिए। चलिए बुक वन में बताता हूँ क्या आएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के इसमें फिर से पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये बुक ही ऐसी है, इसमें क्वेश्चंस बनते ना बहुत मुश्किल से हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे पता ही नहीं चलता है। इतना डाउट इतना क्लियर है बुक टू में से, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इसमें एक बिजनेस लेटर आता है, तो जब लेटर को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए तो एक लेटर का सैंपल जरूर बना लीजिए। टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग में आता है, और जनरली बोलता है एक लेटर लिख के दिखाओ, अपने ऑफिसर को लिख कर दिखाओ, या कॉलेज को लिख करके दिखाओ, या अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को लेटर लिखो। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, और कम्युनिकेशन कितने तरह का हो सकता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, वो आता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या होते हैं वो देख लेना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब बेस्ट कम्युनिकेशन किसी कहते हैं, मैं आपको 2016 का पेपर एक दिखाता हूँ, और 2014 का भी मेरे पास पेपर है। अगर इतना कर लिए तो पासिंग मार तो कहीं नहीं गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजर एफिशिएंसी, ये है। और कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन के रिलेशन बनाए रखने में कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। तो कुल मिलाकर कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे करना है, एक जगह से लेटर दूसरी जगह कैसे भेजना है, एक जगह से ईमेल दूसरी जगह कैसे भेजना है, घुमा फिरा कर इस बुक में यही है, ठीक है। मॉडर्न चीज़ों पर ध्यान देना, ईमेल पर एक क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटराइजेशन का ये जो है, फेसबुक व्हाट्सअप आ सकता है, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दूसरों को शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी फायदा हो। MGM 225 बिजनेस कम्युनिकेशन, 80 मार्क का क्वेश्चन। संज्ञापन मन से का है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संज्ञापन चाहिए वैशिष्ट्य, समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, अपनी अपने थॉट्स को, अपनी बात को यहाँ से वहाँ पहुँचा देना। मौखिक संज्ञापन प्रभावी होने साथी वर्बल कम्युनिकेशन या, और अच्छा ध्यान रखना, वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन दोनों सेम होता है, दोनों का आंसर सेम होगा। अच्छा, तो आप अपने मुख से बोली हुई चीज़ को ओरल कम्युनिकेशन और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए 5 गोष्ठी लिखो। कौन सा गोष्ठी आ सकता है, तेलिया। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ नॉन वर्बल, अभी कभी कभी पूछता है वर्बल और नॉन वर्बल में कितना डिफरेंस है, क्या है। हाउ टू मेक यूज़ ऑफ टेलीफोन, इसमें पूछता है हाउ टू मेक अ यूज़ ऑफ ईमेल, हाउ टू मेक अ यूज़ ऑफ इंटरनेट, हाउ टू मेक अ यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, टेलीग्राम पूछ सकता है, राइट दिट्स, उसके बाद लिखो तेलिया। संज्ञापना तिल परिपूर्ण तेज तत्व स्पष्ट करा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्प्लीटनेस इन द कम्युनिकेशन, मतलब परिपूर्ण संज्ञापन जब तक परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक आपका कम्युनिकेशन परिपूर्ण नहीं होगा तब तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। लेटर ऑफ कंप्लेंट अगर किसी को लिखेंगे, आप तकरारा च पत्र सांगून, तकरार पत्र के हवाले ही दीजिए। आप तकरार पत्र कब लिखते हैं, BMC ऑफिसर को कब लिखेंगे, जब पानी भर जाता है गली में, जब वहाँ डेंगू के मच्छर घूमने लगते हैं तब ना। तकरार पत्र कैसे लिखते हैं वो भी आना चाहिए। बिजनेस पत्र कैसे लिखा जाता है वो भी आना चाहिए। जब पत्र का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एक पत्र जरूर बना देना, लिख कर दिखा देना, भले न पूछे। व्हाट इज़ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या है, इसके टाइप्स आता है। ये रिपोर्ट का एक क्वेश्चन श्योर है,
आता ही है। ज़रा बुक में इंडेक्स रिपोर्ट वाले चैप्टर के इंडेक्स में ज़रा जाकर, मेरे भाई केवल वीडियो देख कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैं वीडियो एक दिन पहले बताता हूँ ताकि कोई बच्चा क्लेम ना करे कि सर आपका वीडियो देखा और फेल हो गया। ठीक है, तो वीडियो देख करके बुक का इंडेक्स खोलो मेरे वीडियो के साथ साथ, और देख लो साथ साथ क्या चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन और समरी ज़रूर पढ़ो। यह वीडियो आपको सब्जेक्ट टॉपिक बुक समझने में हेल्प करता है, न कि पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, इसको पढ़ने से आपका पेपर इजी बन जाता है। ठीक है, देश विदेश से लोग फ़ोन करते हैं, कहाँ कहाँ, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला, नागपुर, अमरावती, वर्धा, मनमाड़, नासिक, सभी स्टूडेंट्स बेचारे पूछते रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आज हमारे मित्र का फ़ोन आया, बोले ब्रिजेश जी आप घबराइए नहीं, आप अपना काम जारी रखिए, लोग ऐसे कमेंट करते रहेंगे। आदर्श पत्राचे कोड़ते ही पांच वैशिष्ट्य लिखा, एनी फाइव एसेंशियल क्वालिटी ऑफ आइडियल लेटर। अच्छा, चाहे आइडियल लेटर का क्वालिटी पूछे, चाहे बिजनेस लेटर का क्वालिटी पूछे, और चाहे वो कंप्लेन लेटर, कुछ भी क्वालिटी पूछे, क्वालिटी एक ही है, क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, डेट होना चाहिए, नाम होना चाहिए। विपर्यास मन से क्या है, डिस्टॉर्शन मन लेगा, व्हाई इट इज वाइट एक्सप्रेस, डिस्टॉर्शन क्या है जरा बुक में अच्छे से पढ़ लो। प्रभावी संज्ञा अपने इंपॉर्टेंस इफेक्ट, अच्छा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन मतलब साधारण बातचीत, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब बेस्ट, अच्छे से ऐसी बात करो कि सामने वाला भूल ना पाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर एक क्वेश्चन फिक्स है। साइकोलॉजिकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव, अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, जब आप सामने वाले समझ लो किस मूड में है, कैसे से बात करनी है। कम्युनिकेशन इन मैनेजेरियल एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आएगा, एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, मैनेजेरियल एफिशिएंसी का और कम्युनिकेशन का। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, के जो स्टेप्स हैं वो लिखो, नहीं तो कभी कभी स्टेप बोलता है, ये स्टेप ही सॉल्व करो। चलते क्वेश्चन चार में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला देख रहे हैं चौथे का पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलते पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिले जुले हैं। ठीक है, सूचित संदेश, मेथड ऑफ नॉन वर्बल, ऊपर वर्बल हमने पढ़ा, ऊपर ये देखो यहाँ वर्बल क्वेश्चन था, कहाँ ये वर्बल कम्युनिकेशन मेथड साहब, अच्छा नॉन वर्बल मैसेज ऊपर है, टेलीफोन वर्बल में आता है, हाँ लेटर ऑफ कंप्लेन ये वर्बल नहीं है तो रिटन है, तो फिर से क्या इन्होंने पूछ लिया, नॉन वर्बल मैसेज, क्या मेथड है बुक में दिया हुआ, फीचर ऑफ टेलीफोन, ऊपर भी टेलीफोन पहले क्वेश्चन में, यहाँ भी पूछा, मोबाइल फ़ोन पूछ सकता है, पेजर पूछ सकता है, इंटरनेट पूछ सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन। राइटिंग गुड लेटर इज एन आर्ट, अच्छी लिखावट, उत्तम पत्र लेने ही एक कला है, इसको लिखो, सिंपल सी बात, कला है, अगर आप सामने वाले को मोहित करना है तो अच्छे से लिख दो। मूल्य कथन कोटेशन लेटर, अगर आप किसी सप्लायर के यहाँ से कच्चा माल लाते हैं, ठीक है कोई मटेरियल लाते हैं, तो उसको कैसे लेटर लिखेंगे, मुझे यह माल 1 किलो, यह माल 500 ग्राम, यह माल 2 किलो, यह माल 10 किलो में सभी 1 किलो दे दो, बाकी 9 किलो बाद में, ऐसे लिखते हैं ना, तो मूल्य कथन पत्र तील वही होता है, कोटेशन लेटर या इंक्वायरी लेटर। चलिए 2014 का भी क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको कम से कम 60-70% क्वेश्चन में मैं बता दूँ। अच्छा पहले ना क्या होता था, रिकॉर्ड करके बातें सुनाई जाती, इसलिए कैसेट भी आता था। मीटिंग क्या होती है, मीटिंग के बाद एक फीडबैक दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद फिर वो भी आ सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कंपनी में जो यूज होता है वो फॉर्मल होता है, दोस्तों में इनफॉर्मल होता है, या कैजुअल कह सकते हैं। व्हाट इज़ ग्रुप किसे कहते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा लोगों के समूह को ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मेरिट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग क्या है पता है ना, मोबाइल में अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग होती है, 256 जन को एक साथ अपने ग्रुप में ऐड करके एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है। टू अच्छा इवोल्यूशन स्किल क्या है, मोटिवेशन लीडरशिप का क्वेश्चन आने का चांस कम है। गिव द मीनिंग ऑफ मैसेज, मैसेज क्या होता है ये आ सकता है। चलो मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, 100% नोट कर लेना भाई, चांस ज़्यादा है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन याद कर लेना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन ही बार बार आ रहा है, टेलीफोन अगर आता है ना उसमें एक बिना वायर के टेलीफोन मोबाइल का नाम भी डाल के लिख देना। मेक द डिफरेंस बिटवीन रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल, रिटन और ओरल में से भाई एक क्वेश्चन 100% है, अगर दो आ जाए तो मुझे मत बोलना, दो भी आ सकता है। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव, इफेक्ट देख रहे हैं 2014 का क्वेश्चन 2016 में रिपीट हुआ है, और 2016 का ही क्वेश्चन 2018 में रिपीट होने का चांस है, लेकिन 17 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन, लेटर ऑफ कंप्लेंट कैसे लिखते हैं, अधिकारी को देख लेना बुक में, अपने स्पेसिमेन है भैया, पढ़ लो एक बार बुक। ठीक है, कंडक्टिव इन्वायरमेंट,
करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेंटिव एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ नॉन वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल मैसेज इशारे से होता है, हाथ से होता है, पैर से होता है, लिख के होता है, डायग्राम बना के होता है, कार्टून बना के होता है, ठीक है, नॉन वर्बल मैसेज हो गया। चलिए एक देखते हैं क्वेश्चन लास्ट, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। का डिसएडवांटेज क्या है, वो प्रूफ बन के किसी के पास चला जाता है तो फिर कभी वो प्रेजेंट कर सकता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में जरूर एक क्वेश्चन आता ही है। इंक्वायरी लेटर क्या है, कोटेशन जब मांगते हैं ना वो भी एक इंक्वायरी लेटर ही है, चाहे तो कोटेशन लेटर आ जाए चाहे इंक्वायरी लेटर आ जाए, सब क्या है एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर सेम है। कोटेशन लेटर पढ़ लेना, बिजनेस लेटर, व्यावसायिक लेटर पक्का आता है भाई, पहले बता दे रहा हूँ। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। पर्सनल बैरियर क्या है भाई, हमारे पास आज बैलेंस नहीं है तो आज हम फ़ोन नहीं करेंगे आपको, आज मेरा नेट नहीं चल रहा है, आज मैं ईमेल नहीं भेजूँगा। मित्रों बस इतना ही था, आप लोग मेरा चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सम्मान दिया। जय श्री राम।